हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्रॉस रेशियो डिस्कस किया था डिटेल में। वो वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि उसका यूज आएगा एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने में। अब इन एग्जाम्पल्स को मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि बुक्स वगैरह में सब जगह क्रॉस रेशियो से सॉल्व किया हुआ है। हम यहाँ दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक तो क्रॉस रेशियो से और एक और दूसरा मेथड है विदाउट क्रॉस रेशियो, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स 2 आयोटा एंड -2 ऑफ जेड प्लेन टू द पॉइंट्स 1 आयोटा एंड -1 रेस्पेक्टिवली ऑफ डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं। ये हमारे पास जेड प्लेन के पॉइंट्स हैं, तो जेड वन की वैल्यू एक तरीके से हो गई 2, सेकेंड वाले को मैं जेड टू बोल देता हूं, वो हो गया आयोटा, और थर्ड वाला हो गया जेड थ्री, वो -2। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल रहा है डब्ल्यू वन इज इक्वल टू 1, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू आयोटा एंड डब्ल्यू थ्री इज इक्वल टू -1। ये तीन हमें ट्रांसफॉर्म होकर के मिले। अब क्रॉस रेशियो की अगर आप हेल्प लेते हो तो उसमें इनसे रिलेटेड ही फॉर्मूला होता है और उसकी हेल्प से इजीली इसका ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम चाह रहे हैं वो क्रॉस रेशियो की हेल्प से तुरंत मिल जाएगा। मैं फॉर्मूला लिखता हूं और अप्लाई कैसे करना है बहुत आसान है, आप देखिए एक बार। ये हमने क्रॉस रेशियो में फॉर्मूला देखा था, याद रखना बहुत आसान है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ये इसको जीरो की तरह कंसिडर कर लो, तो 0, 1, 2, 3 सीक्वेंस में और फिर 1 से शुरू हो जाएगा 1, 2, 3, 0। सेम 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0 सेम साइक्लिक चल रहा है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। अब स्टार्ट करें यहां पर वैल्यूज रखना। तो सबसे पहले तो Z1, Z2, Z3 और W1, W2, W3 की वैल्यूज रख रहा हूं मैं यहां पर। W माइनस W1 1 है, W2 आयोटा है, W3 -1 है, तो +1 हो जाएगा ये -1। W1 1 है, W2 आयोटा है, W3 -1 है और W ये एज इट इज रहेगा। ये ट्रांसफॉर्म होकर के मिलेगा तो वो तो एज इट इज रखना ही है। सेम ऐसे यहां Z तो कुछ नहीं रखना है, Z1 2 है, Z2 आयोटा है, Z3 -2 है, तो +2 हो जाएगा ये -1। Z1 2 है, Z2 आयोटा है और Z3 -2 -Z। इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। W माइनस 1 इसको 1 प्लस आयोटा लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन लेने पर W प्लस 1 बन जाएगा, और यहां से 1 माइनस आयोटा एज इट इज लिख रहा हूं मैं, ये बन जाएगा देखिए जेड माइनस 2, सेम इधर से माइनस कॉमन आएगा और ये जेड प्लस 2 हो जाएगा, और इधर 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा चल रहा है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया माइनस से माइनस। अब हम एक काम करते हैं, इसको उस तरफ ही ले जाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। किस तरह से होगा देखिए आप, डब्ल्यू माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 2 इंटू में 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर के हमें मिलेगा। मैं इसके बाद इसको इस तरफ कर रहा हूं तो ये बनेगा देखिए W माइनस 1 अपॉन W प्लस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 2, और ये ऊपर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 पहले इन दोनों से होगा फिर आयोटा इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस में आयोटा और लास्ट आयोटा स्क्वायर माइनस का। डिवाइड में देखो क्या आएगा, 2 प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा और माइनस का ही आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस 1 होता है, तो ये दोनों की जगह तो माइनस 1 आ जाएगा, ये थोड़े सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, W माइनस 1 अपॉन W प्लस 1 इज इक्वल टू Z माइनस 2 अपॉन Z प्लस 2 इंटू में ये बचेगा 2
इधर बचेगा माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा नीचे टू, और ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्लस आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस अगेन प्लस ही होगा। तो डब्ल्यू माइनस वन अपॉन डब्ल्यू प्लस वन, काफी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है इसमें, कैलकुलेशन वाला पार्ट काफी ज्यादा है, बाकी मेन फॉर्मूला इतना सा ही है, बस अप्लाई करना है, काम तो यहां तक खत्म हो गया। अप्लाई करने के बाद तो ट्रांसफॉर्मेशन इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है बस। तो हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन चेंज होता है, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर थोड़ा ज्यादा है कैलकुलेशन। अब देखिए यहां पर इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है इसको थ्री माइनस आयोटा मतलब नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, तो ये देखिए क्या बनेगा, w माइनस वन अपॉन w प्लस वन इज इक्वल टू z माइनस टू अपॉन z प्लस टू, ऊपर वाले को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ही है, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और डिवाइड में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, ये w माइनस वन अपॉन w प्लस वन इज इक्वल टू z माइनस टू अपॉन z प्लस टू, और इनटू में 9 और ये माइनस वन आएगा, तो ये 8 माइनस सिक्स आयोटा हो जाएगा, 8 माइनस सिक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअली ये 10 बनेगा। आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा w माइनस वन अपॉन w प्लस वन इज इक्वल टू z माइनस टू अपॉन z प्लस टू, और ये हो जाएगा 2 अगर ऊपर से कॉमन लेके काटे तो ये 4 माइनस थ्री आयोटा और डिवाइड में 5। अब हमें बस इतना करना है कि ऊपर वाला अलग से मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो नीचे है इस चीज को इधर क्रॉस में ले जाओ, तो ये हमारा बनेगा w माइनस वन इंटू में ये z प्लस टू और इंटू में ये 5 मैं इस तरफ ले लेता हूं, इक्वल में देखो क्या बनेगा, w प्लस वन और z माइनस टू है ही, w प्लस वन z माइनस टू और लास्ट 4 माइनस थ्री आयोटा, 4 माइनस थ्री आयोटा। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह करता हूँ ये कैलकुलेशन। देखो देखो ये मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 5w माइनस 5 इंटू में आ जाएगा z प्लस टू, इक्वल में बनेगा ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो डब्लू जेड डब्लू टू, ये 2w हो गया, 1 को करेंगे तो z माइनस टू बन जाएगा, और लास्ट ये 4 माइनस थ्री आयोटा। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है इसमें, बस हमें करते जाना है आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 5w को इससे करेंगे तो 5wz, ये बनेगा 10w माइनस का 5z और माइनस का 10, इक्वल में इसको करो 4 से तो 4wz और माइनस का 3 आयोटा wz, ये हो जाएगा माइनस का 8w और प्लस का 6 आयोटा w, z को करो तो ये हो जाएगा 4z माइनस 3 आयोटा z, 2 से करेंगे तो माइनस का 8 और प्लस का 6 आयोटा। ये काफी लंबा सा बन गया है। अब एक काम करते हैं डब्लू डब्लू वाले एक साइड ले लेते हैं, जैसे एक तो ये है तो ये हो जाएगा डब्लू जेड, क्योंकि हमें डब्लू चाहिए तो डब्लू एक साइड ले लो आप पहले, ये 10w है ये 8w है तो 18w हो जाएगा ये, उसके बाद w वाले एक ये है और एक ये है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा wz और माइनस का 6 आयोटा w, इक्वल टू बाकी सब z वाला उस तरफ मतलब ये तो 4 है ही, 4z और ये 5z मिलकर के हो जाएगा 9z और माइनस का 3 आयोटा z चली रहा है, माइनस 10 इधर आकर के प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 और माइनस 8 प्लस का 2 हो जाएगा और ये 6 आयोटा एज इट इज। ये हमारे पास w एक तरफ आ गए, z एक तरफ है, इसमें z मिक्स भी है लेकिन w कॉमन आ जाएगा सब में से, तो ये बनेगा z प्लस 18 प्लस 3 आयोटा z माइनस 6 आयोटा, इक्वल में इन दोनों में से कॉमन लें तो ये आ रहा है 3z कॉमन, तो 3 माइनस आयोटा यहां बचेगा, और इन दोनों में से कॉमन लें तो 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 3 आयोटा यहां बचेगा। इसकी बात करें तो इन दोनों में से भी z कॉमन है
और इन दोनों में से भी 6 कॉमन है, तो एक बार ले ही लेते हैं। ये बन जाएगा z कॉमन लेने पर 1+3 आयोटा, और इन दोनों में से 6 कॉमन लेने पर 3 माइनस आयोटा बन जाएगा, इक्वल में 3z 3 माइनस आयोटा प्लस में 2 × 1+3 आयोटा। इसको डिवाइड में ले लो तो w मिल गया हमें 3 × 3 माइनस आयोटा, और ये z मैं इधर लिख देता हूं, प्लस में 2 × 1+3 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 1+3 आयोटा इंटू में z, और ये प्लस में 6 × 3 माइनस आयोटा। कायदे से तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया AZ + BCZ + D, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी वैसे तो आंसर आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं कर देता हूं, देखिए आप कैसे करना है। अगर पूरी लाइन में आप इसका डिवाइड लगा दो तो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा अपने आप ही, ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड लगा दो आप इसका, देखो किस तरह से बनेगा ये। इस तरफ डिवाइड लगाएंगे तो 3z रह जाएगा, उस तरफ लगाओगे तो ये 1+3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा रह जाएगा डिवाइडेड बाई, इधर डिवाइड लगाओगे तो ये 1+3 आयोटा और नीचे 3 माइनस आयोटा रह जाएगा इंटू में जेड, और यहां पर 3 माइनस आयोटा और डिवाइड लगेगा तो 3 माइनस आयोटा, ये कट के 1 हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। आप इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों हैं एकदम सेम ही, तो सेम तरह से सिंप्लीफाई होंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं क्या बनता है, ये 1+3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा को अगर आप रैशनलाइज करोगे 3+ आयोटा से तो ऊपर सिंप्लीफाई होकर के बनेगा ये 3+ आयोटा और 9 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 है और ये माइनस 3 आएगा, कैंसिल आउट हो जाने वाला है आयोटा स्क्वायर के कारण, ये हो जाएगा ऊपर 10 आयोटा और नीचे बनेगा 10 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, अल्टीमेटली आयोटा आ रहा है ये। तो इस सिंप्लीफाई को डायरेक्ट इसमें यूज ले रहे हैं हम दोनों जगह पर, तो फाइनली W क्या मिलने वाला है हमारे को, W हमारे को मिलेगा 3z और ये कंप्लीट आयोटा, तो प्लस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाई ये भी आयोटा, तो ये आयोटा z प्लस में ये कैंसिल आउट ये 6, तो बहुत छोटा सा बन गया ये, इसलिए सिंप्लीफिकेशन किया था हमने ताकि थोड़ा छोटा बन जाए, वरना ये काफी बड़ा था दिखने में, अब इसके कंपैरिजन में काफी आसान सा हमें मिला है। तो ये हमारा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आया है यूजिंग क्रॉस रेशो। काफी ज्यादा कैलकुलेशन होती है क्रॉस रेशो में, ये आपने देख ली होगी। अगर यहां पर वैल्यूज आसान नहीं है, तो आसान का मतलब अगर इनमें से कोई वैल्यू जीरो होती, कोई वैल्यू इन्फिनिटी होती, तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता। वो नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम आसान वैल्यूज लेंगे जिसमें जीरो या इन्फिनिटी में से कुछ होगा, इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी उसमें। अब क्रॉस रेशो के अलावा दूसरा क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो हम लोग देखते हैं। उसमें कंपैरेटिवली कम मेहनत है, आप ये नोटिस करोगे। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं। अब देखो इसको बिना क्रॉस रेशो के कैसे सॉल्व करना है, एकदम बेसिक से चलेंगे हम। बेसिक मतलब हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, ये तो क्लियर है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये होता है W इज इक्वल टू AZ + B डिवाइडेड बाई CZ + D, इक्वेशन नंबर 1। ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो सबसे पहले तो अगर z की वैल्यू 2 है तो W की वैल्यू 1 है, तो z की वैल्यू 2 और W की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करेगी। 2a + b / 2c + d, z की वैल्यू मैंने एक बार 2 रख दी तो उस केस में W की वैल्यू 1 रख दी, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक इक्वेशन यहां से मिल गई हमें, ये इस तरफ ले आओ आप, तो 2c + d इज इक्वल टू 2a + b, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, 2 आ गई, 1 तो होती है। नेक्स्ट, एक बार आप z2 की वैल्यू आयोटा आ गई, आयोटा तो मतलब आप पहले एक बार ये ले लो, इससे क्या है सिंप्लीफिकेशन आसान होगा, इसको लास्ट में लेंगे। अगर आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल रियल वैल्यूज हैं तो वो पहले रखो, उससे ये काफी आसान हो जाता है। z3 की वैल्यू -2 और ये -1 रख रहा हूं मैं, तो यहां हो जाएगा -1 और यहां -2 रखना है, तो माइनस का 2a + b अपॉन -2c + d, थोड़ा सा क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने रखी थी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2c - d और माइनस का 2a + b, इक्वेशन नंबर 3। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इस वाले को यूज लेंगे z2 और w2 को।
तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर देते हो, 2 प्लस 3 अगर आप करते हो तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों को ऐड करने पर ये 2c हो जाएगा, 4c, ये d तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2b। तो यहां से समझ में आया कि b इज इक्वल टू 2c है, ये हम कहीं यूज ले सकते हैं जहां जरूरत पड़ेगी हमें। एक बार हम 2 - 3 करके देखते हैं, एक और कंक्लूजन हमें मिलेगा। इससे क्या है, 2c से 2c कैंसिल आउट हो जाएगा, d और ये d ऐड हो जाएगा, 2d बन जाएगा, ये 4a बन जाएगा माइनस करने पर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, d इज इक्वल टू 2a। एक कंक्लूजन ये हमारे सामने आया, फिफ्थ नंबर। अब एक तो फोर्थ, एक फिफ्थ, यहां फर्स्ट में रख दो आप पहले, तो उसके बाद इसको यूज लेंगे हम। तो मैं यहां रखता हूं, अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखना हो तो ये बनेगा w इज इक्वल टू az प्लस b। तो a नहीं है हमारे पास, तो az तो az ही रहेगा, b की वैल्यू जरूर है 2c, ये हो गया 2c। cz c की नहीं है तो cz as it is, d की जरूर है 2a, तो वो 2a यहां आ जाएगा। अब लास्ट काम, ये भी आयोटा, ये भी आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो आयोटा इज इक्वल टू आयोटा a प्लस 2c डिवाइडेड बाय, ये बनेगा आयोटा सी प्लस 2a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस सी, ये बनेगा 2 आयोटा a इज इक्वल टू आयोटा a प्लस 2c। ये c तो उस तरफ ले लो, ये इस तरफ ले लो, तो ये आयोटा a रह जाएगा कैंसिल आउट होकर के, ये c उधर 3c बन जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3c डिवाइडेड बाई आयोटा। आयोटा अगर डिवाइड में है तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये बन जाएगा 3c आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर जो कि माइनस 1 होगा, तो माइनस का 3 आयोटा सी हो गया एक तरीके से। ए भी हमारे पास आ गया, बी भी आ गया, सी भी, डी भी है, सभी की वैल्यू सी की टर्म्स में आप यहां पर रख दोगे, अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो एक बार, आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, w इज इक्वल टू az प्लस b अपॉन cz प्लस d। w की वैल्यू फाइनली क्या बनेगी, a है हमारे पास माइनस का 3 आयोटा c इक्वेशन नंबर 6 से, b की वैल्यू है 2c, ये हो गया 2c, cz as it is, और d हमारे पास 2a है, 2a है, तो एक काम करो a की वैल्यू यहां रख दो माइनस का 3 आयोटा c, ताकि हर एक चीज सी के फॉर्मेट में हो जाए। तो ये क्या बनेगा फाइनली, माइनस का 6 आयोटा सी बन जाएगा। अब सब जगह से सी कॉमन आ रहा है, यहां जेड लगाना मैं भूल गया, सब जगह से सी कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 3 आयोटा जेड प्लस 2 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 6 आयोटा। वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आपको पीछे वाले से एकदम मैच करवाना है तो यहां पर ना माइनस था ना आयोटा था, तो माइनस का आयोटा से ऊपर और नीचे डिवाइड दे दो, तो माइनस आयोटा से इधर डिवाइड दोगे तो 3z बचेगा, इधर माइनस आयोटा से डिवाइड दो, ये माइनस आयोटा एक बार लिख देता हूं मैं, ये माइनस आयोटा से डिवाइड होगा और ये माइनस का 6 आयोटा अपॉन माइनस आयोटा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये बन गया 3z। 1 अपॉन आयोटा एक्चुअली माइनस आयोटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा जेड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, आयोटा कैंसिल आउट, प्लस का 6 बचेगा। आप नोटिस करोगे जो हमारे पुराना आंसर आया था वो एग्जैक्टली यही था, और पीछे वाले में तो हमने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करी थी, उसके कंपैरिजन में आप इसको कंपेयर करो ना, बहुत छोटा हो गया ये क्वेश्चन। तो कभी कभी क्वेश्चन क्रॉस रेशियो से तो बल्कि बड़े होते हैं और इस मेथड से बहुत छोटे हो जाते हैं। ये बहुत ही कमाल का मेथड है, बेसिक सा मेथड है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल इस फॉर्मेट को यूज लेना है, हमारे को जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं उसको अप्लाई करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, कुछ नहीं करना। और हालांकि एग्जाम में मोस्टली क्रॉस रेशियो से ही पूछा जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है ज्यादा, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको और क्लैरिटी आएगी। देखिए आप देखिए, ये है हमारा सेकंड एग्जाम्पल, सेम फॉर्मेट में लिखा है, बस इस बार 1, 0 और -1 पॉइंट जो जेड प्लेन के हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है आयोटा इन्फिनिटी और 1। ये इन्फिनिटी का चक्कर आ गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा फॉर्मेट कुछ क्वेश्चंस का इन्फिनिटी वाला भी रहेगा, हो सकता है एक इन्फिनिटी इधर भी हो और इधर भी कुछ इन्फिनिटी में पहुंच रहा हो, तो वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो क्या क्या दे रखा है हमें, हमें दिया हुआ है z1 की वैल्यू, z2 की वैल्यू, z3 की वैल्यू, एक है 1, 0 और तीसरा है -1।
ये सब ट्रांसफॉर्म होकर के बन रहे हैं W1, W2 और W3, जिनकी वैल्यूज रेस्पेक्टिवली दे रखी हैं आयोटा, इन्फिनिटी और 1। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्रॉस रेशो वाला मेथड, देखिए आप कैसे करेंगे। तो ये है क्रॉस रेशो। अब इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यूज अप्लाई कर दो, देखो क्या आएगा। सबसे पहले तो W1, W2, W3 की वैल्यूज यहां पर अप्लाई होंगी, तो W माइनस आयोटा W1 की वैल्यू, W2 माइनस W3, तो यहां इंफिनिटी बन जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक यहां पर समस्या क्रिएट हो रही है इसके कारण। अब क्या करें, अब इस मेथड से नहीं चल सकते, अभी एक काम करना पड़ेगा, यहां पर W2 डिवाइड में लेना पड़ेगा। मतलब यहां से भी W2 कॉमन लो, यहां से भी W2 कॉमन लो। क्यों? क्योंकि W2 कॉमन लेने पर आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में आने के बाद इंफिनिटी सॉल्व हो जाता है, 1/∞ 0 हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते अभी आप। तो जब भी जो भी टर्म इंफिनिटी बन रही हो, भले ही W में बने, भले ही जेड में बने, जो भी टर्म, जो भी यहां पर पॉइंट इंफिनिटी बन रहा है उसको कॉमन ले लेना है ऊपर और नीचे से। W में बन रहा है तो दोनों में से कॉमन ले लो, Z में बन रहा है तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, और दोनों में से ही मतलब एक W में से और एक Z में से भी बन रहा है तो दोनों साइड ही कॉमन लेना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब उसको यू नहीं छोड़ सकते। अभी W2 अगर आप कॉमन लो तो W W1 का तो कोई रोल है नहीं, इसमें से W2 कॉमन आ जाएगा। W2 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा यहां पर, 1 W3 अपॉन W2, और डिवाइड है, डिवाइड में ये बनेगा W1 अपॉन W2 माइनस 1 अगर यहां से हम W2 कॉमन लेते हैं तो, और ये एज इट इज के पास नहीं है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना, जिसके पास वो वैल्यूज हैं, वो टर्म है, केवल उसको कॉमन ले लेना है, बाकी सब एज इट इज चलते रहेंगे, मल्टीप्लीकेशन में सारे के सारे फैक्टर्स, तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। ये W2 से W2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप वैल्यूज रखो यहां पर, अब आराम से वैल्यूज लिखी जा सकती हैं। W माइनस W1, तो W माइनस आयोटा ये आ जाएगा 1 माइनस, देखो W3 कुछ भी हो 1 है वैसे तो ये 1/∞ में रख ही देता हूं एक बार, ये बन जाएगा W1 मतलब आयोटा बाई इंफिनिटी माइनस 1, और ये हो जाएगा W3 मतलब 1, 1 माइनस W इज इक्वल टू Z वाली वैल्यूज, Z माइनस 1 आ जाएगा सबसे पहले तो Z2 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 1 माइनस 0, Z3 माइनस Z माइनस 1 माइनस Z। जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, ये है W माइनस आयोटा, ये 1 माइनस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 माइनस 1 तो ये नेगेटिव जरूर बच गया एक, और ये 1 माइनस W, और इक्वल में क्या बन रहा है, ये बन रहा है जेड माइनस 1, ये तो 1 ही है, ये 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से माइनस कॉमन आकर के जेड प्लस 1 बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लो, तो W माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस W इज इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आसानी से, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इस तरफ देखो क्या बनेगा, W माइनस आयोटा इंटू में जेड प्लस 1 और इक्वल में जेड माइनस 1 और 1 माइनस W बचेगा, तो बनेगा क्या, डब्लू जेड प्लस W माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू जेड माइनस W जेड माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस W। W वाले सारे आप इकट्ठे कर लो, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, W जेड इधर आकर के हो जाएगा 2WZ और बाकी सब उस तरफ जा रहा है, तो ये बन गया z माइनस 1 और ये दोनों इस तरफ आएंगे तो प्लस का आयोटा z प्लस का आयोटा, ये हो गया 2WZ, इधर से z और आयोटा z में से 1 प्लस आयोटा, ये z कॉमन आ गया और ये एक साथ लिख रहा हूं मैं तो प्लस में आयोटा माइनस 1 हो जाएगा, इस 2z को डिवाइड में दे दो तो फाइनली W हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू में z और ये आयोटा माइनस 1 और डिवाइड में 2z, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर कहीं जीरो या इंफिनिटी बन जाता है तो कैलकुलेशन काफी कम हो जाती है, पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में आप देखोगे तो बहुत कम कैलकुलेशन है इसमें। दूसरी बात, जो टर्म इंफिनिटी हो रहा है उसको पहले ही कॉमन लेके हटा लो और उसको डिवाइड में बना लो ताकि इंफिनिटी वहां पर जाकर के वो जीरो बन जाएगा और काफी ज्यादा आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इसी सेम क्वेश्चन को आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हो जिस मेथड से मैंने आपको पहले बताया था, सेकंड मेथड जो है हमारा
मेन मेथड तो हमारा क्रॉस रेशियो ही है जिससे हमें सॉल्व करना है, लेकिन हम उस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो यहां से स्टार्ट करना होगा। यहां पर आपको पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, एक बार z की जगह 1 और w की जगह आयोटा, तो ये बनेगा w की जगह आयोटा और z की जगह 1, तो a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के बनेगा आयोटा c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू a प्लस b, इक्वेशन नंबर 2। एक बार आप ये पॉइंट रखो, ये सबसे आसान है वैसे, पहले यही रखना चाहिए आपको, जहां पर इन्फिनिटी या जीरो बन रहा हो वो काफी आसान हो जाता है। देखो इन्फिनिटी आप रखोगे यहां पर तो ये इन्फिनिटी, और इधर बनेगा जेड की जगह जीरो रखने पर जीरो प्लस बी अपॉन जीरो प्लस डी। अब आप थोड़ा ध्यान दो, ये टर्म, ये जो बी अपॉन डी है, ये इन्फिनिटी कब बन सकता है? ये इन्फिनिटी एक ही केस में बन सकता है अगर डी की वैल्यू जीरो हो, तो नीचे वाला टर्म जीरो होता है तो ही तो कोई चीज इन्फिनिटी बनती है। तो d जीरो मिल गया, ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए, d जीरो मिल गया तो बाकी की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। एक बार ये भी देखें, अपन माइनस वन और वन रखते हैं तो ये हो जाएगा वन, और ये माइनस का a प्लस बी अपॉन माइनस का c प्लस डी, डी जीरो है तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपॉन माइनस सी, ये इधर आएगा माइनस सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। थोड़ा सा अगर आप नोटिस करो तो डी जीरो होने के कारण ये खत्म हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में। अब दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हो 2 और 3 को, तो 2 प्लस 3 से देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये बनेगा आयोटा सी माइनस सी, ये ऐड कर दिया, माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी और बी हो जाएगा 2b, तो बी की वैल्यू यहां मिल जाएगी आयोटा माइनस वन इंटू सी, तो इससे आयोटा माइनस वन अपॉन टू इंटू में सी, ये बी की वैल्यू आ गई। ए की भी आराम से आ जाएगी, ए की निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करो तो 2 माइनस 3 आपका मिलेगा, ये बनेगा आयोटा सी प्लस सी हो जाएगा, ये 2a बचेगा और उस तरफ कुछ नहीं बचेगा, तो a यहां पर आ जाएगा आयोटा प्लस वन अपॉन टू इंटू में सी, ये a और b की वैल्यूज हैं, आप 1 में रख दो, तो इक्वेशन नंबर 1 से फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा w इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपॉन टू इंटू में सी z प्लस b की वैल्यू, वो रही ऊपर, आयोटा माइनस वन अपॉन में टू इंटू में सी डिवाइडेड बाई सी, तो अपनी जगह पर है सी जेड, आप यहां से एक तो 2 एलसीएम लेके नीचे ले लो उसको और सी कैंसिल आउट करो, तो फाइनल आंसर यही बनेगा जो पीछे वाले में आया था, एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है, कुछ हेर फेर करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो आप नोटिस करोगे कि इससे भी क्वेश्चन कोई ज्यादा लंबा नहीं हुआ, काफी आसान सा ही हो गया, क्योंकि डी जीरो बन गया तो बहुत छोटा बन गया क्वेश्चन, तो जहां जीरो इन्फिनिटी के केसेस बन जाते हैं वहां पर क्वेश्चन काफी छोटे हो जाते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं जल्दी से, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब देखो जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें जेड प्लेन के पॉइंट्स हैं इन्फिनिटी आयोटा जीरो, और डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स हैं जीरो आयोटा इन्फिनिटी, दोनों जगह ही जीरो आयोटा इन्फिनिटी टाइप के पॉइंट्स आ रहे हैं। मैं एक बार लिख देता हूं क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जेड वन जेड टू जेड थ्री के पॉइंट्स हैं इन्फिनिटी आयोटा और जीरो, जिनका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री में, जो कि हमारे पास है जीरो आयोटा और इन्फिनिटी। तो हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस रेशियो से ही, मैं लिख दिया हूं यहां पर पहले से ही। अब स्टार्ट करने से पहले आपको यह देखना होता है कि भाई कहां इन्फिनिटी बन रहा है, यहां इन्फिनिटी बन रहा है, यहां इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब जेड वन आपको कॉमन लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, जेड वन आपको यहां से और यहां से कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाकर के ही आप कर सकते हो क्योंकि वो इन्फिनिटी है, लास्ट एग्जाम्पल में देखा था। अब इधर आप देखोगे तो W3 इन्फिनिटी है अगर, तो W3 यहां कॉमन दिख रहा है, यहां से कॉमन लिया जा सकता है, करते हैं स्टार्ट आ गया काम, तो ये बनेगा देखो W माइनस W1, और यहां से W3 अगर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा W2 डिवाइडेड बाई W3, क्योंकि जबरदस्ती कॉमन आएगा तो डिवाइड में जाएगा, ये W1 माइनस W2, जिसके पास W3 नहीं है उसको छेड़ना नहीं है, बाकी में से कॉमन ले लो आप W3, ये बनेगा 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू थ्री। जब भी इन्फिनिटी या जीरो वाले क्वेश्चन होते हैं काफी आसान हो जाएंगे, ये कैलकुलेशन बहुत आसान होगी आप देखेंगे आगे। ये अब देखो जेड वन अगर कॉमन लेते हैं तो जेड अपॉन जेड वन माइनस वन, और ये हो जाएगा जेड टू माइनस जेड थ्री, इसको छेड़ना ही नहीं है, इन दोनों में से जेड वन कॉमन आएगा, वन माइनस जेड टू अपॉन जेड वन, जेड थ्री माइनस जेड कैंसिल आउट कर लो,
जो जो कैंसिल आउट हो रहा है। अब आप वैल्यूज रखो, आसानी से आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूज मैं रख रहा हूं, देखो W माइनस W वन जीरो, W थ्री डिवाइड में आएगा इन्फिनिटी बन जाएगा, तो आयोटा बाई जीरो एक बार लिख देता हूं, नेक्स्ट लाइन में अपन उसको कर लेंगे। ये W वन माइनस W टू, तो जीरो माइनस आयोटा, ये वन माइनस W डिवाइडेड बाई W थ्री इन्फिनिटी है, इक्वल में Z अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन W टू, सॉरी Z टू आयोटा माइनस जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वन माइनस आयोटा बाई इन्फिनिटी, जेड थ्री मतलब जीरो माइनस जेड हो गया। वैल्यूज बस जमाई है और कुछ नहीं किया, काफी चीजें जीरो ही बन जाएंगी। ये केवल W है, ये जीरो, ये माइनस वन, W के साथ माइनस वन बचा, ये माइनस का आयोटा बचा और ये सिर्फ वन बचा, तो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। ये जीरो माइनस वन, माइनस वन ले लो, ये आयोटा रह गया ऊपर, डिवाइडेड बाई ये वन रहेगा केवल और ये माइनस का जेड रहेगा। माइनस वन से माइनस वन हटाओ और ये डब्ल्यू की वैल्यू जो आएगी फाइनल आएगी माइनस आयोटा और ये आयोटा, माइनस का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और नीचे है माइनस का जेड, तो अल्टीमेटली डब्ल्यू हमारे पास आएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस का वन अपॉन जेड, ये हमारे पास फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मिला हमें। तो बहुत ही छोटा हो जाता है क्वेश्चन अगर जीरो या इन्फिनिटी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन ही बहुत आसान हो जाती है ना। इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे वाले मेथड से आप करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा वो मेथड भी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने तीन एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं जो क्रॉस रेशो की हेल्प से और विदाउट क्रॉस रेशो से हमने उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इसके कंपैरिजन में थोड़े से टफ एग्जांपल्स या कह लो कि दूसरी अप्रोच से रिलेटेड एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक दो लेक्चर्स तक हम लोग ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल से डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, थैंक यू।